हेलो एवरीवन, हमारे आज के वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के चैप्टर 4 को ही आगे देखेंगे, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के बारे में बात की गई है। इस वीडियो में हम सेक्शन 55 से लेके 58 तक के देखेंगे। सेक्शन 55 बोलता है, इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट फिक्स्ड टाइम इन कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज एसेंशियल। इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो टाइम है वो महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, इसेंशियल है, अगर उसको फिक्स्ड टाइम में परफॉर्म नहीं किया जाता, उसको फेल हो जाते हैं उसको फिक्स्ड टाइम में परफॉर्म करने में, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। 56 बोलता है, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, मतलब किसी भी असंभव कार्य को करने का एग्रीमेंट, करार क्या होगा। 57 बोलता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू थिंग्स लीगल एंड ऑल्सो अदर थिंग्स इलीगल, मतलब अगर कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिस किया जाता है जिसमें लीगल काम को करने की बात की गई है और साथ में ही इलीगल काम को करने का भी करार किया गया है, तो उस स्थिति में क्या होगा। 58 सेक्शन बोलता है, अल्टरनेटिव प्रॉमिसेस वन ब्रांच बीइंग इलीगल, मतलब अल्टरनेटिव प्रॉमिस अगर होता है जिसमें एक ब्रांच अगर इलीगल है तो क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 55, इफेक्ट ऑफ फेलियर to perform at fixed time in contract in which time is essential. When a party to a contract promises to do a certain thing at or before a specified time, a certain things at or before a specified time, and fails to do any such thing at or before the specified time, the contract or so much of it as has not been performed becomes voidable at the option of the promisee. If the intention of the parties was that the time should be of the essence of the contract, मतलब अगर कोई एक पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट की जो प्रॉमिस करती है किसी भी काम को एक स्पेसिफाइड टाइम पे या उसके पहले करने का और उसको नहीं कर पाती है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल होगा। लेकिन कब, जब जो प्रॉमिसी है या जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये चीज़ मेंशन थी या वो उसका नेचर था कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म करने में टाइम जो है वो इसेंशियल है, मतलब इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, कि इस टाइम के पहले या इस टाइम पर उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाना ही चाहिए, उस स्थिति में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। और उसको वॉइड कौन करवा सकता है, शून्य उसको वो करवा सकता है, मतलब प्रॉमिसी उसको शून्य करवा सकता है अगर उसको लगता है कि उस टाइम पर परफॉर्म नहीं किया गया है कॉन्ट्रैक्ट या उसके पहले नहीं किया गया, तो ये उसका ऑप्शन होगा, वो चाहे तो उसको शून्य घोषित करवा सकता है। इफेक्ट ऑफ सच फेलियर व्हेन टाइम इज नॉट इसेंशियल, इफ इट वाज नॉट द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज दैट टाइम शुड बी ऑफ एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वॉइडेबल बाय द फेलियर टू डू सच थिंग एट और बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम, बट द प्रोमिसी इज एंटाइटल टू कंपनसेशन फ्रॉम द प्रोमिसर फॉर एनी लॉस occasioned to him by such failure. अगर जो intention था parties का वो ये था कि जो time रहेगा contract को perform करने का वो essential नहीं है, मतलब वो महत्वपूर्ण नहीं है, उस वो बहुत important नहीं है कि किस time पे contract को perform किया जाता है, तो ऐसा contract किसी भी party के option पर voidable नहीं होगा, कोई भी party उसको void घोषित नहीं करवा सकती चाहे उस contract को कभी भी perform किया जाए। लेकिन promisee इस चीज़ के लिए एंटाइटल होगा, उसके पास ये अधिकार होगा कि अगर एक युक्तियुक्त समय के बाद उसको परफॉर्म किया जाता है तो वो अगर उसको कोई लॉस हुआ है उस चीज़ के कारण, लेट परफॉर्मेंस के कारण, तो वो चाहे तो प्रोमिसर से किसी भी प्रकार के कंपेंसेशन को डिमांड कर सकती है। इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट टाइम अदर देन दैट अग्रीड ऑन, इफ In case of a contract voidable on account of promisor's failure to perform his promise at the time agreed, the promisee accepts performance of such promise at any time other than that agreed, the promisee cannot claim compensation for any loss occasioned by the non-performance of the promise at the time agreed, unless at the time of such acceptance he gives notice to the promisor for his intention to do so. इसका मतलब ये है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, प्रोमिसी अगर चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को शून्य घोषित करवा सकता है, इस कारण क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस टाइम पे नहीं हुआ था,
लेकिन उसके बावजूद प्रॉमिसी उसके परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करता है किसी और टाइम पे, तो फिर प्रॉमिसी ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसको लॉस हुआ है और उसके लिए वो कंपनसेशन का हकदार है या उसके पास कंपनसेशन का अधिकार है, वो ये क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन अगर उस एक्सेप्टेंस के वक्त, मतलब जब उस वो परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर रहा है किसी और टाइम पे, अगर वो उस वक्त प्रॉमिसर को ये नोटिस दे देता है कि अगर इस प्रॉमिस को अभी परफॉर्म किया गया तो इसके बदले मैं कंपनसेशन की डिमांड करूंगा क्योंकि मेरे को लॉस हुआ है, तो फिर उसके पास ये अधिकार रहेगा कि वो कंपनसेशन मांग सकता है। सेक्शन 56 देखते हैं, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, मतलब किसी असंभव कार्य को करने का करार। एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इन इटसेल्फ इज वॉइड, मतलब कोई भी ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें किसी इम्पॉसिबल काम को करने की बात की गई है, वो अपने आप में ही वॉइड होगा, मतलब शून्य होगा। कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट आफ्टर वर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें किसी ऐसे कार्य को करने की बात की गई है जो बाद में इम्पॉसिबल हो जाता है या फिर अनलॉफुल हो जाता है, कानूनन उसको नहीं किया जा सकता, इलीगल हो जाता है। अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिकम्स इम्पॉसिबल और बाई रीजन ऑफ सम इवेंट विच द प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट अनलॉफुल बिकम्स वॉइड वेन द एक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, इसका मतलब यह है कि अगर कोई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें किसी कार्य को करने की बात की गई है जो बाद में इम्पॉसिबल हो जाता है या फिर बाद में किसी कारणों के कारण, किसी इवेंट के होने के कारण वो अनलॉफुल हो जाता है, तो फिर जैसे ही वो अनलॉफुल होगा या इम्पॉसिबल होगा उसके साथ ही वो वॉइड भी हो जाएगा, मतलब शून्य हो जाएगा। कंपनसेशन फॉर लॉस थ्रू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट नोन टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, वेयर वन पर्सन हैज प्रोमिस्ड टू डू समथिंग विच ही न्यू और विद रीजनेबल डिलीजेंस माइट हैव नोन एंड विच द प्रोमिसी डिड नॉट नो टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, सच प्रोमिसर मस्ट मेक कंपनसेशन टू सच प्रोमिसी फॉर एनी लॉस विच सच प्रोमिसी सस्टेन्स थ्रू द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस। इसका मतलब यह है कि जहाँ पे प्रोमिसर कोई ऐसा प्रोमिस करता है जो उसको पता है कि अनलॉफुल है या फिर इम्पॉसिबल है या फिर वो पता कर सकता था रीजनेबल डिलीजेंस के थ्रू, मतलब एक युक्तियुक्त छानबीन से वो पता कर सकता था कि ये इम्पॉसिबल एक्ट है या फिर अनलॉफुल एक्ट है वहाँ पर। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि प्रोमिसी को इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि वो जो एक्ट है वो अनलॉफुल है या फिर इम्पॉसिबल है, वहाँ पर प्रोमिसर की यह लाइबिलिटी होगी, उसका यह दायित्व तो होगा कि वो नॉन परफॉर्मेंस के लिए कोई भी अगर लॉस हुआ है प्रोमिसी को तो उसके लिए उसको कंपेंसेट करना होगा, प्रोमिसर प्रोमिसी को कंपेंसेट करेगा। इसके हम कुछ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं इसको बेहतर समझने के लिए। पहला इलस्ट्रेशन बोलता है ए अग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक द एग्रीमेंट इज वॉइड। ये जो हमने पहला पोर्शन देखा था इस सेक्शन का उसके बारे में है कि अगर कोई इम्पॉसिबल एक्ट को करने का एग्रीमेंट है तो वो अपने आप में वॉइड होगा। मैजिक के थ्रू डिस्कवर करना, ट्रेजर खजाना डिस्कवर करना अपने आप में एक इम्पॉसिबल एक्ट है, इसलिए ये अपने आप में वॉइड होगा। ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द मैरिज ए गोज मैड द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। इसका मतलब यह है कि ए और बी ने एक दूसरे से विवाह करने का की संविदा की, लेकिन जो टाइम फिक्स किया गया था शादी का उसके पहले ही ए पागल हो जाता है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। जो हमने दूसरा पोर्शन देखा था इस सेक्शन का उसके उससे रिलेटेड है ये जो इलस्ट्रेशन है कि कोई भी चीज़ अगर बाद में अनलॉफुल या इम्पॉसिबल हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट उसी के साथ ही वॉइड हो जाएगा। यहाँ पर ए मैड हो जाता है, पागल हो जाता है और वो कॉम्पिटेंट पार्टी नहीं रह जाता कॉन्ट्रैक्ट का, तो यहाँ पे ये एक अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसके साथ ही ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। जिसका अगला इलस्ट्रेशन है वो बोलता है ए कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी बी बीइंग ऑलरेडी मैरिड टू सी एंड बीइंग फॉरबिडन बाय द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट टू प्रैक्टिस पॉलीगैमी ए मस्ट मेक कंपनसेशन टू बी फॉर द लॉस कॉस्ट टू हर बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रॉमिस।
ए जो है वो बी से विवाह करने की संविदा करता है, लेकिन ए जो है वो पहले से ही सी के साथ विवाहित है, और साथ ही जो जिस लॉ के अंडर वो आता है, पर्सनल लॉ के थ्रू जिसके गवर्न होता है वो, उसमें पॉलीगैमी प्रैक्टिस करना फॉरबिडन है, मतलब बहुविवाह उसमें इलीगल है, अनलॉफुल है। तो यहाँ पे ए जो है वो कंपेंसेट करेगा बी को किसी भी लॉस के लिए, क्योंकि प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं किया जा सकता, और साथ में ए को ये चीज़ मालूम थी कि इस प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं किया जा सकता, और बी को ये चीज़ नहीं मालूम थी। ये जो इलस्ट्रेशन है वो हमने जो लास्ट पोर्शन देखा था हमारे सेक्शन का, उसके बारे में बात करता है। इसके आगे हम देखते हैं सेक्शन 57, रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू थिंग्स लीगल एंड ऑल्सो अदर थिंग्स इलीगल, वेयर पर्सन्स रेसिप्रोकली प्रॉमिस फर्स्टली टू डू सर्टेन थिंग्स विच आर लीगल एंड सेकेंडली अंडर स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेज टू डू सर्टेन अदर थिंग्स विच आर इलीगल। एट द फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉमिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बट द सेकेंड इज अ वॉइड एग्रीमेंट। इसका मतलब यह है कि जहाँ पे दो पर्सन रेसिप्रोकल प्रोमिसेस करते हैं और उसमें पहला जो प्रॉमिस है वो किसी ऐसे कार्य को करने का है जो लीगल है, लेकिन जो दूसरा है सेट ऑफ प्रॉमिस है वो ऐसे कार्य को करने का है जो इलीगल है, तो जो पहला सेट होगा प्रॉमिसेस का वो तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, बट जो दूसरा सेट है मतलब जिसमें इलीगल काम को करने की बात की गई है वो एक वॉइड एग्रीमेंट होगा, शून्य करार होगा। वो इसका हम कुछ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, उससे हमको ये चीज़ बेहतर समझ आएगी। ए एंड बी अग्री दैट ए शैल सेल बी अ हाउस फॉर 10,000 रुपीज, बट दैट इफ बी यूजेज इट एज अ गैम्बलिंग हाउस ही शैल पे ए 50,000 रुपीज फॉर इट। मतलब ए और बी आपस में ये करार करते हैं कि ए जो है वो बी को अपना घर बेचेगा, एक घर बेचेगा 10,000 रुपये के लिए, लेकिन अगर बी उस घर को गैम्बलिंग हाउस जुआ घर के रूप में इस्तेमाल करता है तो वो 50,000 रुपये के लिए बेचेगा। तो इसमें जो है जो पहला सेट ऑफ प्रॉमिस है मतलब 10,000 रुपये के लिए घर जो बेचने की बात की गई है वो तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन जो सेकंड सेट है मतलब बी अगर उसको जुआ घर के रूप में इस्तेमाल करने की जो बात की गई है वो इलीगल है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, गैम्बलिंग हाउस जो है वो अनलॉफुल होगा जुआ घर, इसलिए जो दूसरा सेट ऑफ प्रॉमिस है वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। इसके आगे हम देखते हैं सेक्शन 58, अल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच बीइंग इलीगल। इन द केस ऑफ एन अल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच ऑफ विच इज लीगल एंड अदर इलीगल द लीगल ब्रांच अलोन कैन बी इन्फोर्स्ड। इसका मतलब यह है कि जहाँ पे अल्टरनेटिव प्रॉमिस किए गए हैं और उसमें से एक जो प्रॉमिस है वो लीगल है और जो दूसरा प्रॉमिस है वो इलीगल है, तो जो लीगल प्रॉमिस है, लीगल जो ब्रांच है, केवल उसी को इन्फोर्स कराया जा सकता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसका हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए एंड बी अग्रीज दैट ए शैल पे बी 1,000 रुपीज फॉर विच बी शैल आफ्टरवर्ड्स डिलीवर टू ए आइदर राइस और स्मगल्ड ओपियम। दिस इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर राइस एंड अ वॉइड एग्रीमेंट एज टू द ओपियम। इसका मतलब यह है कि ए और बी अग्री करते हैं एक दूसरे के साथ कि ए जो है वो बी को 1,000 रुपये देगा और बदले में बी बाद में उसको या तो चावल डिलीवर करेगा या फिर स्मगल्ड ओपियम डिलीवर करेगा। तो यहाँ पे अगर चावल डिलीवर करने की बात है तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, वैलिड होगा, इसको इन्फोर्स कराया जा सकता है, लेकिन अगर ओपियम की बात है तो फिर वहाँ पे वो एक वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि ओपियम को स्मगल करके और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना वो एक अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।